हेलो, माई सेल्फ राजेश विश्वकर्मा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम कर्व ऑफ दी ट्रेन। ये सब्जेक्ट आपका इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम कर्व। द स्पीड टाइम कर्व गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन एंड दिस कर्व गिव द स्पीड इट वेरियस टाइम आफ्टर स्टार्ट ऑफ रन डायरेक्टली। ये स्पीड टाइम कर्व हमें इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ट्रेन के मोशन के बारे में। इसमें हमें जो है एक एक्सिस पर स्पीड होती है इन किलोमीटर पर आवर, जो कि वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस पर हमें टाइम रहता है। तो डिफरेंट टाइम में ये स्पीड हमें दे देता है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि स्पीड टाइम कर्व को हम कितने भागों में बांटा जाता है। स्पीड टाइम कर्व जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ एक्सेलरेशन, नंबर वन, नंबर टू फ्री रनिंग और कांस्टेंट स्पीड रन, एंड नंबर थ्री कोस्टिंग, एंड नंबर फोर रिटार्डेशन। आइए हम अब सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेलरेशन पीरियड क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट नोन एज कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन वाइल नॉचिंग अ पीरियड, एंड बी इज स्पीड कर्व रनिंग और एक्सेलरेशन ऑन द स्पीड कर्व। सो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। ड्यूरिंग द नॉचिंग अप पीरियड फ्रॉम 0 to T1 सेकेंड द करेंट आई इज मेंटेन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड वोल्टेज अक्रॉस द मोटर इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड वाई कटिंग आउट द स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नॉचिंग अप पीरियड जो होता है आपका इस कर्व में देखें तो 0 से लेकर के और टाइम T1 तक, इसको हम नॉचिंग अप पीरियड कहते हैं। सबसे पहले जो दिखाया गया है आपको कर्व में, इसमें करंट मेंटेन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, इसमें हम करंट को अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट बना के रखते हैं लेकिन वोल्टेज को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और इसका वोल्टेज हम बढ़ाते हैं स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को कट करके। दस ट्रैक्टिव एफर्ट इज़ कॉन्स्टेंट एंड देयर फोर एक्सेलरेशन रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जो एक्सेलरेशन होता है वो भी कॉन्स्टेंट होता है। दूसरा पीरियड जो होता है इसका स्पीड कर्व रनिंग होता है। ड्यूरिंग द स्पीड कर्व रनिंग फ्रॉम टाइम T1 to T2 सेकेंड द वोल्टेज एक्टिंग अक्रॉस द मोटर रिमेन कॉन्स्टेंट एंड करेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन स्पीड अकॉर्डिंगली टू द characteristics of the motor and finally the current taken by the motor becomes constant during this period through the train accelerate but acceleration decrease with the increase in speed and finally becomes zero at the speed at which the tractive effort developed by the motor becomes exactly equal to the resistance of the motion of the train। ये period दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है from time T1 से लेकर के T2 टाइम तक दिखाया गया है। ये T2 टाइम पर ये फुल्ली एक्सेलरेट हो चुकी होती है हमारी ट्रेन। इसके बाद हम बात करते हैं फ्री रनिंग पीरियड की। ये जो टाइम होता है फ्री रनिंग पीरियड, ये आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर T2 टाइम से लेकर के T2 टाइम पीरियड तक जो कर्व होता है उसको हम फ्री रनिंग पीरियड कहते हैं। फ्री रनिंग पीरियड में एट द एंड ऑफ द स्पीड कर्व रनिंग एट टाइम T2 द ट्रेन अटेंड द मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द ट्रेन रन्स विथ कॉन्स्टेंट स्पीड अटेंड एट T2 एंड कॉन्स्टेंट पावर इज ड्रॉन। दोस्तों इस पीरियड में टाइम जो होता है वो T2 से लेकर के T3 तक होता है, और इसमें हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर ट्रेन को चलाते हैं और उसमें एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर ट्रेन रन करती रहती है इस ड्यूरेशन में। फिर इसके बाद आता है कॉस्टिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ द फ्री रनिंग पीरियड एट टाइम T3 पावर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द ट्रेन इज अलाउड टू रन अंडर इट्स ओन मोमेंटम। द स्पीड ऑफ ट्रेन स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड ड्यूरिंग द कॉस्टिंग पीरियड इज नोन एज कॉस्टिंग रिटार्डेशन। दोस्तों इस ड्यूरेशन में एट टाइम T2 पॉइंट पर हम ट्रेन को सप्लाई से कट कर देते हैं और ट्रेन अपने ऑन मोमेंटम से चलती रहती है। इसमें धीरे धीरे करके ट्रेन की स्पीड कम होती जाती है। ये स्पीड कम होती है एट टाइम T2 पीरियड तक। T2 के बाद हम ब्रेक अप्लाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन और ब्रेकिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ द कॉस्टिंग पीरियड
एट टाइम T4 द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग द ट्रेन टू द रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड स्पीड डिक्रीज रैपिडली एंड फाइनली बिकम्स जीरो। दोस्तों इस पीरियड में हम ब्रेक अप्लाइड कर देते हैं और हमारी जो ट्रेन होती है वो रुक जाती है फाइनल स्पीड पर जाकर।